हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, एग्जाम आपके काफी नजदीक है, आपके बोर्ड एग्जाम्स। तो आज इसी वीडियो में हम बात करने वाले किस तरीके से आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है। तो छोटी सी वीडियो में ये सारी बातें हम जानने वाले हैं दोस्तों, ठीक है जी हाँ। तो फर्स्ट पॉइंट दोस्तों जो आपको ध्यान रखना है, यू डोंट हैव टू फॉलो मल्टीपल बुक्स, ठीक है ना। एग्जाम टाइम में, एग्जाम से पहले आप अपने प्रैक्टिस के लिए, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो मैथ्स हो, आपने दो तीन बुक्स को फॉलो किया, एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल, आरडी शर्मा, केसी सिन्हा, जो भी आपको दिल किया। लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन यू मस्ट फॉलो वन बुक, दैट इज एनसीईआरटी फॉर मस्ट, 100% आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है। सेकेंडली क्या फॉलो करना है मैं आगे बताऊंगा। थर्ड, अगर इसके बाद अगर इतनी प्रिपरेशन आपकी हो जाती है इन द टाइम पीरियड, देन आप फॉलो कर सकते हो इसी अदर थर्ड बुक को, लाइक केसी सिन्हा, आरडी शर्मा वगैरह वगैरह, ठीक है। सेकेंड चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। आपको 3 घंटे में सारे सेट्स, मतलब जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व आउट करना है। तो ऐसा नहीं कि आप एक या पर्टिकुलर दो क्वेश्चन में अपना पूरा का पूरा टाइम वेस्ट कर दो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, और फिर बाद में क्या होगा कि आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी 6 नंबर वाले, या फिर जो क्वेश्चंस आती थी वो आप अटेम्प्ट ना कर पाओ या सही से ना कर पाओ जल्दबाजी में। अगर आधे घंटे बचे हैं और मुझे 15 क्वेश्चन बनाने हैं तो मैं उतने अच्छे से नहीं बना पाऊंगा, लेकिन अगर आधे घंटे में मुझे 5 क्वेश्चन सॉल्व करने तो मैं इजिली कर पाऊंगा। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। आपको स्टार्टिंग में ही 10 मिनट में आपको फाइंड आउट कर लेना है कि हाँ, ये क्वेश्चंस मेरे लिए है, मैं बना पाऊंगा, ये क्वेश्चन नहीं बना पाऊंगा, और अकॉर्डिंगली आपको आगे प्रोसीड करना होता है, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, यू मस्ट हैव टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट्स एज वेल एज सैंपल पेपर्स, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आपको काफी सारे मार्केट में सैंपल पेपर्स आते हैं। अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, आप देख सकते हो इस तरह से चैप्टर वाइज हर एक बोर्ड के, आपके स्टेट बोर्ड्स के, आपके सीबीएसई बोर्ड्स के, हर एक बोर्ड्स के आपके सैंपल पेपर्स आते हैं। उन्हें आप सॉल्व करोगे, देन यू विल कम टू नो दैट व्हाट इज द लेवल, ठीक है, क्या सब्जेक्ट कोड्स है, बेसिकली किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मार्किंग स्कीम क्या है। तो ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। अगले वीडियो में इसी सीरीज में हम बात करेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो कि आप स्टडी के अलावा अपने लाइफ में क्या क्या करो एग्जाम के टाइम, एग्जाम से पहले, ताकि आप अच्छे से एग्जाम को लिख पाओ, अच्छे से एग्जाम के लिए मेंटली प्रिपेयर हो पाओ, ठीक है। तो फॉलो कर लेना हमें इस चैनल पर दोस्तों, कॉम्पिटिशन दुनिया पे आपके लिए इस तरह वीडियो लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप शेयरिंग।